तो जो भी शहरवासियों की समस्याओं का समाधान है नगर परिषद से संबंधित, उसका सबका समाधान और विशेष करके लोगों को कई वर्षों से, बाबूजी गोवर्धन जी कल्ला साहब जब एमएलए थे 1998 से 2003 तक, तब पट्टे दिए गए थे। उसके बाद में एमएलए तो रहे, रिक्त स्थान नहीं रहा, लेकिन कोई जीरो ही पट्टा नहीं दिया गया। तो अभी हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी आइडेंटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं उसके अंदर जो भी पात्र है, थोड़ा बहुत 19-20 है तो उनकी मदद की चेयरमैन साहब कोशिश कर रहे हैं। हम सबको, हमने अधिकतम करीब करीब 3,500-4,000 पट्टे बांट दिए हैं, और भी 1,500-2,000 के आसपास जे जैसे कागज सबमिट होंगे हम पट्टे भी देंगे, और भी शहर की बिजली पानी सड़क सफाई जो भी है जैसे समस्या आएगी उसका विधिवत समाधान करेंगे। मैं विधायक हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि गांव और शहर, मेरी पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, इंसान के साथ साथ पशुधन या पक्षी को भी नहीं हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती जो हमारे को ध्यान में नहीं आती है, तो मैंने उसी निरंतरता में कहा था शहर में भी आप लोग इधर उधर और भी सर्वे करते रहते हैं तो आपको भी ध्यान में आवे। तो मैंने जो कहा है वो सभी अधिकारी, कोई भी अधिकारी काम नहीं करे तो भी आप बतावें, क्यों अधिकारी और हम लोग जनप्रतिनिधि, हमारा जनता के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। ये जनता जब मतलब सुखी होगी, उनको सुविधाएं मिलेगी, तब इनके राज के नौकरों को भी तनख्वाह मिलती है और हम लोगों को भी पद मिलता है, हमें भी सुविधा मिलती है। तो हमारे जो भगवान हैं, जो पूजनीय हैं, वो आम जनता है। उसमें एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वहाँ से लेके, और चाहे उद्योगपति हो, तो हम सब उनके सेवक हैं। तो सेवा करने के लिए सेवा स्कोप ऑफ वर्क, कहाँ सेवा की ज़रूरत है वो बताने के लिए मैंने निवेदन किया था। और आपसे संदेश देना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से, इस जुलाई माह तक जो बरसात होनी थी वो कई वर्षों से बहुत अच्छी हुई है, सब जगह खुशहाली है, और यहाँ करीब 8 लाख जिले में आबादी है और 30-32 लाख मवेशी है और असंख्य पक्षी है। तो यहाँ का जीवन पशुपालन पे है, तो बढ़िया चारा वारा हो गया है। भगवान से सब लोग मिलके प्रार्थना करें कि अगस्त के अंदर एक आधी बरसात और हो जावे तो अपने 16 आना जमाना हो जाएगा, तो लोगों की और राज्य सरकार का भी भार कम हो जाएगा। नहीं तो पशु को बचाने के लिए लोगों के लिए कई योजनाएं लानी पड़ती है, सरकार का व्यय भार भी बढ़ता है। भगवान के एक ही झटके से, ये बरसात अच्छी करने से, लोगों ने अभी सब खेत जोत दिए हैं, कई जगह खड़ी बने गेहूं और चना भी होंगे, और बरसात एक होगी तो 12 महीना का मवेशी के लिए चारा भी हो जाएगा। तो मैं सबको, गाँव और वासियों को, शहर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और जहाँ भी टांके में नाडी में जहाँ भी पानी का संरक्षण किया है उस पानी को बचाए रखें, तकलीफ भी टैप काम में लें, अब और बरसात भी आवे इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, और अपना जो भी घास है, घास के लिए मवेशी को एक सिस्टम गांव में बना हुआ है, गांव ढाणी में, तो अपन इस ढंग से उस मवेशी का भी कंट्रोल करें, जितनी भी उपलब्ध घास है, ताकि अप्रैल मई जून में जब दिक्कत आवे तब घास भी उपलब्ध हो जावे।